हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्किल नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड पर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और ये शॉर्टकट के जानने के बाद आपको कंप्यूटर पर वर्क करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी, साथ में आपको कंप्यूटर यूज़ करने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आप जो कुछ सीखेंगे वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो दोस्तों, चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपनी एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कंट्रोल प्लस क्लोज वाला बड़ा ब्रैकेट से आप किसी भी सिलेक्ट फॉन्ट का साइज लार्ज मतलब बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इस नॉलेज वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कंट्रोल के साथ हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को दबाते हैं, तो देखिए ये नॉलेज वर्ड हमारा लार्ज होता जा रहा है, जैसा कि आपके सामने है। दोस्तों, कंट्रोल को दबाए रखना है और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को दबाते रहना है, तो आपका सिलेक्ट वर्ड बड़ा मतलब लार्ज होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका अपोजिट कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। दोस्तों, किसी भी फॉन्ट को छोटा करने के लिए आपको उस वर्ड का सिलेक्शन कर लेना है और फिर कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से ये फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है। इसी तरह आप अपने सेलेक्ट फॉन्ट या वर्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, तो अगली हमारी शॉर्टकट की दिख रही है डबल अंडरलाइन की। तो दोस्तों, जैसे ये हमारा नाम लिखा है तो हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यानी कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डी को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट डी से हमारे सिलेक्ट वर्ड पर डबल अंडरलाइन हो जाती है। अब इस डबल अंडरलाइन को हटाने के लिए सेम उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट डी को ही प्रेस करना है, तो आपकी डबल अंडरलाइन हट जाएगी। ओके दोस्तों, यहां तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंड। इसका मतलब यह है कि जब आपके एमएस वर्ड पर बहुत सारे पेज हों तो आपको डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल इंड को प्रेस करना है। ओके, इसी तरह इसका अपोजिट कंट्रोल प्लस होम, जब आपको डायरेक्ट पहले वाले पेज पर आना हो तो कंट्रोल होम को प्रेस कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप सबसे ऊपर वाले पेज पर आ जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, जैसे आप किसी भी वर्ड पर स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। जैसे देखिए, हम इस 2 को स्क्वायर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पहले इस वर्ड का सिलेक्शन करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि न्यूमेरिक प्लस को नहीं यूज़ करना है, केवल अल्फ़ाबेट प्लस को यूज़ करना है जो बैक स्पेस के पास होता है। तो दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ करके आप किसी भी वर्ड पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसका अपोजिट है सब स्क्रिप्ट, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। ओके, जैसे देखिए, हम इस बीच वाले 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह सब स्क्रिप्ट में यूज हो सकता है, मतलब किसी भी वर्ड के नीचे इस तरह करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों, जो शॉर्टकट की आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है।
इसीलिए इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। तो देखिए अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। दोस्तों अभी तक आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया होगा, लेकिन आज आप जान जाएंगे कि कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल सी से तो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल शिफ्ट सी है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और सी का यूज़ करेंगे तो वर्ड पर जो फॉर्मेटिंग होगी केवल वही कॉपी होगी। जैसे देखिए ये हमारा कॉपी लिखा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वर्ड की जो फॉर्मेटिंग है वो ये है कि इस वर्ड पर डबल अंडरलाइन है और इस वर्ड के पीछे बैकग्राउंड कलर भी है, साथ में ये इटैलिक भी है। ओके तो दोस्तों अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करते हैं, मतलब अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग या डिज़ाइन कॉपी कर लिया। अब हम इस फॉर्मेट वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, मतलब कंट्रोल शिफ्ट वी को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल फॉर्मेटिंग या डिज़ाइन पेस्ट हुआ, मतलब जो कलर या जो डिज़ाइन ऊपर वाले वर्ड से हमने कॉपी किया वो आप नीचे वाले वर्ड में भी देख सकते हैं। ओके इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड पर आप जब किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट वर्ड अपर केस में हो जाएगा। जैसे देखिए इस कंप्यूटर वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ए को प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में हो चुका है। अब आगे चलते हैं तो अगली हमारी शॉर्टकट की है F5। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके एमएस वर्ड में जब बहुत सारे पेज होते हैं और किसी पेज पर स्क्रॉल से जाने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए डायरेक्ट जाने के लिए आपको फंक्शन की F5 को प्रेस करना है। जब आप F5 दबाएंगे तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर पेज नंबर, तो आपको जिस पेज पर डायरेक्ट जाना है तो वो पेज नंबर यहाँ पर इंटर करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है अब आगे चलिए तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इससे आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ लेस देन को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डिक्रीज वर्ड छोटा होता जा रहा है। ओके अब इसका अपोजिट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो दोस्तों अब हम इस इंक्रीज वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है। ओके अब आगे चलिए तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल बटन। इसका यूज करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे तो देखिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल को दबाए रखिए और माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाइए तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जूम इन या जूम आउट होती रहेगी। ओके दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए तो अगली हमारी शॉर्टकट की है फंक्शन की F7। तो इसका यूज आप तब करेंगे जब आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग चेक करना हो। जैसे आप कोई वर्ड टाइप करते हैं और आपको कंफ्यूजन है कि इस वर्ड की स्पेलिंग सही है या गलत, तो आपको उस वर्ड का सिलेक्शन करना है और कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। जैसे देखिए हमने ये स्टूडेंट का एक वर्ड फॉर एग्जांपल टाइप किया जिसकी स्पेलिंग गलत है। अब इसको चेक करने के लिए आपको इसका सिलेक्शन करना है, इसके बाद आपको F7 प्रेस करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। F7 को प्रेस करने से देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे सजेशन में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो शो होगी।
अब इसको सही करने के लिए आपको यहाँ चेंज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम एस्केप की को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब स्टूडेंट की स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है। ओके, अब आगे चलिए। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Alt प्लस Ctrl प्लस S। इसका मतलब स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के पेज को दो भागों में बांटना। जैसे देखिए, हम Alt के साथ Ctrl और S को प्रेस करते हैं, इसके बाद हम अपने माउस को ऊपर नीचे करते हैं तो देखिए एक लाइन माउस के साथ में चल रही है। अब हम जहां पर क्लिक कर देंगे तो वहीं से हमारा डॉक्यूमेंट दो भागों में हो जाएगा। जैसे देखिए, हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट दो भागों में हो चुका है। इसका बेनिफिट ये है कि अब ऊपर आप किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं और नीचे वाले भाग में कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं और एक भाग से दूसरे भाग में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसको सही करने के लिए आपको सेम Alt Ctrl S को दबाना है तो ये फिर एक भाग में हो जाएगा जैसा कि पहले था। ओके दोस्तों, अगली हमारी शॉर्टकट की है Alt प्लस Shift प्लस D। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आप Alt Shift D को प्रेस करेंगे तो करेंट डेट आ जाएगी। जैसे देखिए, हम Alt Shift D को प्रेस करते हैं तो करंट डेट मेंशन हो चुकी है। इसका ये फायदा है। ओके, अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Alt प्लस Shift प्लस T। इसका यूज भी हम करके देख लेते हैं। तो देखिए, हम अपना कर्सर यहाँ पर रखते हैं और Alt Shift T को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो करंट टाइम है वो सामने आ चुका है। ओके दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो अगली हमारी शॉर्टकट की है Ctrl प्लस Shift प्लस एरो की। दोस्तों, इसका यह बेनिफिट होता है कि आपको जब कोई वर्ड जल्दी से सेलेक्ट करना हो तो आप Ctrl के साथ Shift और एरो की को प्रेस कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस M। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में जो भी विंडोज ओपन होंगे वो एक बार में मिनिमाइज हो जाएंगे विंडो के साथ M का यूज करने से। ओके, अब आगे देखिए। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Ctrl प्लस Shift प्लस P। इसका यूज करके आप डायरेक्ट फॉर्ड का विंडो या डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। देखिए, हमने Ctrl के साथ Shift और P को प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉन्ट का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ से आप अपना फॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब अगली जो ट्रिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यूजफुल भी बहुत है। तो ये हमारी ट्रिक है क्लिक क्लिक क्लिक। दोस्तों, जब आप कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करते होंगे तो उसको माउस से या कीबोर्ड से सेलेक्ट करते होंगे, लेकिन कम टाइम में और बहुत जल्दी सेलेक्ट करने के लिए आपको उस पैरा पर अपना माउस का कर्सर रखना है और तीन बार क्लिक 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 करना है तो आपका जितना भी पैराग्राफ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी शॉर्टकट की अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारे YouTube चैनल स्किल नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप भी देख सकें और आपको भी कंप्यूटर में जानकारी हो जाए। थैंक यू।